नमस्ते बच्चों, मैं अल्पना वर्मा आपको कक्षा 6 के लिए हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के विषय में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। यह नई पुस्तक है NCERT द्वारा प्रकाशित की गई है। जून 2024 में इसका पहला संस्करण आया है। सत्र 2024-25 के लिए यह पुस्तक लगाई गई है। मल्हार, जैसा कि आपकी पुस्तक में मल्हार शब्द का परिचय दिया गया है, इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग मल्हार है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इस ऋतु का संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और कृषि से भी है। यह पुस्तक मल्हार अपने गठन, विषय वस्तु और गतिविधियों में सृजन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है, इसलिए इस पुस्तक का नाम मल्हार रखा गया है। इस पुस्तक के कौन-कौन से पाठ हैं और कितने पाठ हैं? तो कुल 13 पाठ हैं जो इस सत्र में आपको पढ़ने हैं। पहला पाठ एक कविता है, इसका शीर्षक है मातृभूमि। पाठ संख्या 2 गोल, जो कि संस्मरण विधा में लिखा हुआ है। पाठ संख्या 3 पहली बूंद एक कविता है। पाठ संख्या 4 हार की जीत एक कहानी है। पाठ संख्या 5 में रहीम के दोहे हैं और पाठ संख्या 6 मेरी माँ, जो कि एक आत्मकथा का अंश है। पाठ संख्या 7 जलाते चलो एक कविता है। पाठ संख्या 8 सत्रिया और बिहू नृत्य, जो कि एक निबंध है, निबंध विधा में लिखा हुआ पाठ है ये। और पाठ संख्या 9 में एक पद है जो कि सूरदास जी का लिखा हुआ है, मैया मैं नहीं माखन खायो। पाठ संख्या 10 एक कहानी है जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। कहानी का शीर्षक है परीक्षा। पाठ संख्या 11 चेतक की वीरता एक कविता है। और पाठ संख्या 12 यात्रा वृतांत है, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। पाठ संख्या 13 में पेड़ की बात निबंध के रूप में दी गई है। तो यहाँ पर आपने गद्य और पद्य की विभिन्न विधाओं से भी परिचय पाया। और इस पुस्तक की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रत्येक पाठ के बाद जो अभ्यास कार्य दिया है उसमें गतिविधियां हैं, और प्रत्येक प्रश्न के साथ आइकन दिया, यानी चित्रात्मक संकेत दिए गए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि इस प्रश्न में आपको करना क्या है, चर्चा करनी है या बोलकर उत्तर देना है या कोई विशेष गतिविधि करनी है। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि इसमें शब्दकोश दिया गया है पुस्तक के अंत में, जिसमें कक्षा 6 के अधिकांश छात्रों के लिए जो नए या अपरिचित शब्द हैं या कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मिलेंगे। और कक्षा 6 से ही छात्र शब्दकोश का यानी डिक्शनरी का उपयोग करना सीख सकेंगे। और साथ ही जो अभ्यास कार्य में पहेलियां दी गई हैं उनके उत्तर भी आपको पुस्तक के अंत में मिल जाएंगे। और एक नई चीज आप देखेंगे यहाँ, भारती। भारती क्या है? भारतीय ब्रेल लिपि, जो कि देवनागरी लिपि के लिए है, तो उसको भी आप यहाँ पर देखेंगे कि देवनागरी लिपि के वर्ण और अक्षर किस प्रकार ब्रेल लिपि भारती में दिए गए हैं, तो उसका भी आप यहाँ पर परिचय पा सकेंगे।